हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद कृतिका। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि इस लुक को हमें कैसे क्रिएट करना है। तो लुक क्रिएट करने से पहले सबसे पहले तो अपने फेस को वॉश कर लीजिए, साथ ही आपको जो भी ड्रेस पहनना है आप उसे पहन लीजिए। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये ऑप्टिपल्स का टोनर। तो मैंने टोनर अपने फेस पर, नेक पर, ईयर्स पर अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये एलोवेरा जेल, ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है। और हम इसे अपने पूरे फेस पर, नेक एरिया पर लगा लेंगे। मैंने ये एलोवेरा जेल प्राइमर के लिए यूज़ किया है। आप कोई मार्केट का अच्छा प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये रेवलॉन का फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को हम इस तरीके से डॉट डॉट कर कर पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे, साथ ही हम नेक एरिया पर, ईयर्स पर भी अप्लाई करेंगे। और फाउंडेशन लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये एक ब्यूटी ब्लेंडर। और ब्यूटी ब्लेंडर को पहले मैंने पानी में भिगो कर रखा था, तो हम इसे हाथ से निचोड़ कर और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से हम फाउंडेशन को इवन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको फाउंडेशन को लगा लेना है। फाउंडेशन अपने ईयर्स पर, नेक एरिया पर और बैक में भी अच्छे से लगाइए। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग मेकअप करते हैं तो उनका फेस तो बहुत अच्छे से शाइन करता है, बट नेक एरिया बहुत गंदा दिखता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है ये ग्लैम अप क्रीम। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है और किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए या फिर कोई फेस्टिवल हो तो हम इस क्रीम के साथ अपना बहुत ही अच्छा मेकअप कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लुक लाती है। तो मैंने यहाँ पर पहले क्रीम को डॉट डॉट कर कर मेरे पूरे फेस पर, नेक पर, ईयर्स पर अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से, हमें यहाँ पर सॉफ्ट हैंड से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस क्रीम को इवन कर लेना है। और ये मेरी डॉटर है जो कि मेरे आसपास ही घूम रही है, तो पहले मैंने इसे रेडी कर दिया था और ये बहुत शैतानी कर रही है, इसको मेकअप का बहुत शौक है। तो ये लाइन में लगी हुई है कि धीरे से मेरा भी कुछ नंबर लग जाए मम्मी के साथ। तो यहाँ पर मैंने इस क्रीम को इवन कर लिया है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है ये कंसीलर। तो आप कंसीलर, आपके पास जो भी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर कंसीलर मेरे चीक्स पर, फॉरहेड पर, नेक पर और चिन पर इस तरीके से लगाया है। और कंसीलर मेन तो अगर आपकी अंडर आई एरिया ब्लैक है तो आप वहाँ पर ज़रूर लगाइए। साथ ही साथ आपके फेस पर जहाँ भी ब्लैक स्पॉट हैं या फिर जहाँ भी आपकी स्किन क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पर कंसीलर लगाकर ब्यूटी ब्लेंडर से इसे इवन कर लीजिए। तो गाइस, मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट नहीं है, तो कुछ टाइम पहले मेरे फेस पर चिकन पॉक्स हो गई थी। तो चिकन पॉक्स के हल्के फुल्के दाग हैं और मेरी अंडर आई एरिया ब्लैक नहीं है, तो मैं वहाँ पर कंसीलर का यूज़ नहीं कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये लैक्मे का 925 फेस पाउडर। तो इसमें डबल शेड थी तो मैं ये यहाँ पर शाइनिंग वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने फेस पाउडर लगा लिया है। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ ये आई शेड। तो मैंने यहाँ पर ये पहले ये गोल्डन आई शेड लिया है। तो सबसे पहले मैं आई शेड को मेरे आई लिड्स पर लगाऊंगी, तो जहाँ से हमारी आई लिड फोल्ड होती है बस हमें वहाँ तक ही लगाना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों आईज पर सेम आई शेड अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लिया है फिर से कॉपर आई शेड। तो जैसे कि मेरी ड्रेस है तो ड्रेस को ध्यान में रखते हुए ही मैं यहाँ पर मेरा आई मेकअप करने वाली हूँ। तो मैंने दोनों आईज पर ये मैंने कॉपर शेड भी अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ये पिंक शेड। जैसे कि आपको मेरी ड्रेस में नेक पर और हैंड्स पर थोड़ा सा दिख रहा होगा कि जो बर्क हो रहा है, पिंक शेड को मैंने पूरे आई लिड पर अप्लाई नहीं किया है। इसे मैंने इनर कॉर्नर से हाफ आई लिड पर अप्लाई किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये ब्लश। तो मैंने पिंक ब्लश यहाँ पर यूज़ किया है, बहुत ही हल्का सा, और मैं इसे ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर ये मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ये हाइलाइटर। तो जहाँ पर मैंने ये ब्लश अप्लाई किया था और उसके बाद मैं लिप्स के अपर और लोअर पार्ट पर और नोज़ पर एक लाइन इस तरीके से बनाते हुए और उसके बाद फॉरहेड पर, तो मैंने यहाँ पर ये ब्लश अप्लाई कर लिया है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर लूँगी एक छोटा ब्रश और छोटे ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई करूँगी मेरी आईज़ के इनर कॉर्नर एरिया पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी आईलाइनर। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही आईज में आईलाइनर लगा लिया है। तो जब तक ये आईलाइनर सूखेगा तब तक मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी लिप लाइनर। और
ये मैंने लिप लाइनर अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ये लैक्मे का काजल। तो यहाँ पर ये मेरा लगभग आई मेकअप कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो मैंने ये एलिटीन का पिंक शेड लिया है। तो मैंने यहाँ पर मेरी ड्रेस को ध्यान में रखते हुए ये लिप शेड अप्लाई किया है और उसके साथ ही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बिंदी। तो मैंने ये प्लेन बिंदी लगाई है। प्लेन बिंदी हमेशा बहुत अच्छी लगती है, साथ ही हमारे मेकअप को और भी अच्छा बनाती है। तो यहाँ पर ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अब मैं यहाँ पर करूँगी मेरा हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल करने से पहले मैंने यहाँ पर पहले मेरे हेयर्स पे अच्छे से कॉम कर ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ये साइड की मांग निकाली हुई है और उसके बाद जो बैक के इस तरीके से थोड़े से बाल लेते हुए मैं यहाँ पर इन बालों को टिक टॉक पिन से सिक्योर कर लूंगी। तो मैं यहाँ पर आज अपने हेयर्स को खुला रखने वाली हूँ और इसके साथ ही मांग टीका वगैरह सब कुछ एडजस्ट करने वाली हूँ। तो कैसे करूँगी ये सब आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने मेरे हेयर्स को सिक्योर कर लिया और उसके साथ ही अभी जो फ्रंट के बाल रह गए हैं तो पहले मैं यहाँ पर कॉम करूँगी और ये वाली ज्वेलरी मैं यहाँ पर पहनने वाली हूँ। तो पहले यहाँ पर कंघी से थोड़ा सा कॉम कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दो तीन तरीके से करके देख रही थी। तो पहले मैंने यहाँ पर ये बीच की मांग निकाल ली है और मैं यहाँ पर इस मांग टीका को सेट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर जो हमने बैक में हेयर्स को सिक्योर किया है तो वहाँ पर हम मांग टीका के पिन को एडजस्ट करेंगे। उसके साथ ही हम एक छोटा सा बॉबी पिन लेकर वहाँ पर हेयर्स को सिक्योर कर देंगे और इस मांग टीका के साथ आप चाहें तो अपने हेयर्स को एक साइड से उठाते हुए उसके बाद हेयर्स को एक साइड में करके भी आप साइड में छोड़ सकते हैं या फिर इनको आप एक पफ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये दोनों ही तरीके से ट्राई कर रही थी। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से किए थे। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही आप चाहें तो अपने हेयर्स को सामने से थोड़ा सा पकड़ते हुए तो मैं आपको भी करके दिखाऊं। अच्छे इस तरीके से अपने हेयर्स को हमें दोनों साइड से कॉम करते हुए लेना है। उसके बाद बैक में हम बालों को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और उसके साथ ही हम यहाँ पर इस तरीके से पफ बनाते हुए जो हमारे बैक के हेयर्स हैं यहाँ पर हम एक बॉबी पिन से हेयर्स को सिक्योर करेंगे। तो हमें यहाँ पर दो पिन लगाने होंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी एक पिन लगा लिया है, इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये एक और पिन लगा लूँगी। तो यहाँ पर ये इजीली बनकर तैयार हो गई है हमारे मांग टीका के साथ हेयर स्टाइल। और आप लोगों को कैसी लग रही है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपको मेरा मेकअप कैसा लग रहा है ये भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही इजी एंड क्विक मेकअप है। आप किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी वेडिंग के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए, फेस्टिवल के लिए इजीली आप इस तरीके से रेडी हो सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली एसेसरीज आपको कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही गाइज मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये बिंदी। तो जो मैंने प्लेन बिंदी लगाई हुई थी उसके ऊपर मैंने एक ये स्टोन वाली बिंदी लगा ली है। तो यहाँ पर आज का ये है मेरा कंप्लीट मेकअप लुक। आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा गाइज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।